हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज हम बात करने वाले हैं संगणक भर्ती परीक्षा 2018 का रिलेटेड जो टॉपिक है, आंकड़ों का प्रदर्शन, उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आंकड़ों का प्रदर्शन, आंकड़ों का प्रदर्शन किस तरह से किया जाता है? सारणी चित्र या रेखा चित्र द्वारा, या तो उसके लिए सारणी बनाई जाती है या फिर रेखा चित्र बनाए जाते हैं, आयत वर्ग वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उद्देश्य क्या होता है आंकड़ों को रेखा चित्र या सारणी में प्रदर्शन करने का? उद्देश्य होता है कि कम समय में आसानी से हम उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। आंकड़ों का प्रदर्शन जो है वो तीन प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे तीन प्रकार से, पहला है सारणीय के द्वारा, दूसरा है विमा चित्र के द्वारा और तीसरा है बिंदु रेखे द्वारा। अब आपके सिलेबस में एक तो सारणीय द्वारा है और विमा चित्र द्वारा है, बिंदु रेखे आपके सिलेबस में नहीं है। तो ब्लेयर जो थे, एक वैज्ञानिक जो कि बहुत बड़े स्टैटिक्स के ज्ञाता थे, उन्होंने बताया है कि सम अंकों को पंक्ति या खानों में विभाजित करना क्या कहलाता है? सारणीय, ठीक है। अब सारणीय के लाभ क्या क्या है? सारणीय के लाभ है सरल एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण आंकड़ों का, तुलना की विधि है, सारणीय के द्वारा आंकड़ों में आसानी से तुलना की जा सकती है, कम खर्चीली यानी कि मितव्यय विधि है, आंकड़ों सम अंकों को याद करने में सुविधा रहती है, आंकड़ों के विश्लेषण में भी सुविधा होती है। उसके बाद अगली विधि है चित्रमय प्रदर्शन, आंकड़ों को आयत चित्र, दंडालेख, वर्ग आयत में आंकड़ों को या सम अंकों को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है चित्रमय प्रदर्शन। जैसे कि आयत है, अब इस आयत में आपने आंकड़े लिख दिए 2-3, तो ये क्या होगी आपकी चित्रमय विधि। चित्रमय प्रदर्शन के लाभ क्या क्या होते हैं? इसमें भी समय और श्रम की बचत होती है, चित्र के द्वारा थोड़े से ही जगह में आप अधिक आंकड़ों की जानकारी दे सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है, इसके द्वारा जो प्रेक्षण प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल सरल और सुलभ होते हैं, यह विधि एक सरल और बोधगम्य विधि है, इसके द्वारा आप आसानी से आंकड़ों का बोध कर सकते हैं, इस विधि की सार्वभौमिक उपयोगिता होती है, यह विधि सब जगह एक समान होती है, ठीक है। अब जो चित्र में प्रदर्शन विधि है उसकी क्या क्या हानियाँ होती है? तो देखिए चित्र में प्रदर्शन विधि से संख्यात्मक प्रदर्शन असंभव होता है, उसके अलावा निष्कर्ष का साधन मात्र है, इसके लिए निष्कर्ष जो होते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होते। बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन एक चित्र के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए अनेक प्रकार के अनुसंधानों में ये विधि प्रयुक्त नहीं हो सकती, केवल एक ही प्रकार के अनुसंधान में प्रयुक्त हो सकती है। सूक्ष्म जो मूल्य होते हैं उनके बारे में अंतर इस विधि के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। अब देखिए चित्रमय रचना के सामान्य चित्रण क्या क्या होते हैं इसके? इसमें शीर्षक होना जरूरी है, आकार हो, संकेत हो, पैमाना होना चाहिए, आकर्षण होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चित्रमय रचना में, चित्रमय आंकड़ों के चित्रण में प्रयुक्त होती है। उसके बाद देखिए आप विमा चित्र, यानी कि चित्रमय प्रणाली या विमा चित्र जो बनते हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो ये तीन प्रकार के, एक विमय, द्विविमय और त्रिविमय रेखा चित्र। एक विमय में आपका रेखा चित्र होता है और दंडालेख होता है, एक तो रेखा चित्र हो जाएगा, दंडालेख इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद होगा आयत वर्ग, ये द्विविमीय है, ये आयत हो गया आपका, ये वर्ग हो गया बिल्कुल, तो इस तरह से। उसके बाद त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल में आपके मानचित्र आ जाएगा, ये मानचित्र हो गया, जैसे कि ये चित्रालेख आ जाएंगे। अब जो एक विमय में दंड चित्र होते हैं वो भी आपके काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे सरल दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र, अंतर्विभाजन दंड चित्र, प्रतिशत उपविभाजित दंड चित्र और द्विदिशा दंड चित्र। तो इस प्रकार मैंने आपको इसमें आंकड़ों के बारे में बताया है कि किस तरह से आप आंकड़ों के प्रदर्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।